नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रही हैं नेक्स्ट साइन न्यूज नेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अशोभनीय टिप्पणी की है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को भी संसद भवन परिसर में विरोध किया था। इसी दौरान एक निजी चैनल से बातचीत में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी को लेकर बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के जरिए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुआ है, तभी से द्रौपदी कांग्रेस पार्टी की घृणा और का शिकार बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। द्रौपदी पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई, तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य हर संस्कार के विरुद्ध है, ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया, ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन की राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी पर खूब हंगामा हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही है। देखना होगा कि ये मामला कब थमता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।